टिकरी में प्रकाश जारवाल जी का जो कि विधायक हैं आपके, उनका ये निवास स्थान है और उनके निवास स्थान पर संगम बिहार 2 की जनता पानी के सैलाब की तरह संगम बिहार की सड़कों पर बहते हुए यहाँ पर आ गई है, जो विधायक के इस विशाल लाल भवन को तोड़ देना चाहती है, लेकिन पुलिस के आने के बाद और पुलिस के समझाने के बाद वो लोग शांत हैं। फिर भी बार बार वो विधायक को घर से बाहर निकलने की चेतावनी दे रहे हैं कि आप कम से कम बाहर निकलो और हमारे वोट का जवाब दो। एक तरफ पानी बह रहा है और दूसरी तरफ हमारे हलक के नीचे पानी नहीं जा रहा है। क्या कारण है कि आप लोग इतना आक्रोशित हैं? क्योंकि हमारे संगम बिहार की जनता पानी के लिए बहुत परेशान है और खासकर के सेकंड ब्लॉक जो पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और हम चाहते हैं अपने MLA से जल्द सोनिया बिहार का पानी हमारे क्षेत्र में पहुंचाए, हमारे ब्लॉक में पहुंचाए। और मैं केजरीवाल से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे संगम बिहार पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे संगम बिहार में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और नाली को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारे संगम बिहार में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है पानी के लिए। मैं केजरीवाल सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब वोट लेते समय दिल्ली में जब सरकार बनी थी 49 दिन की, तो केजरीवाल सरकार ने बताया था कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द पानी मुहैया कराया जाएगा, परंतु केजरीवाल सरकार की दोबारा जब सरकार बनी तो उसके बाद उन्होंने K2 ब्लॉक से जो विधायक हमारे प्रकाश जारवाल जी जीते थे, तो उन्होंने गली गली में जा कर के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर औरतों को, सबको, लेडीजों को यह संदेश दिया था कि 15 महीने के दरमियान में आपके कॉलोनी में सोनिया बिहार का पानी आ जाएगा और आपको मिलने लगेगा। 1200 रुपए में मेरे सामने टैंकर बिक रहा था और मैं खुद पकड़ा हूँ संगम बिहार K2 में, और उस ड्राइवर ने चैलेंज करके बोला कि ये फोटो ले लीजिए, मीडिया में दे दीजिए, जहाँ मर्जी दे दीजिए, और मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ केजरीवाल साहब को कि जनता अगर आपको सिंहासन पे बैठा सकती है तो यही जनता उठा के आपको कीचड़ में पटक सकती है। समस्या ये है कि हमारी लाइन में एक तो लाइन नहीं डलवाई पानी की नई, और जो पुरानी नाल में पानी आता था वो भी कटवा दिया इसने। सीवरों का पानी घरों में जा रहा है और 5 दिन हो गए निकाल निकाल के फेंक रही है सीवर का पानी, और हमारी सीवर का भी कुछ नहीं करा इसने, खाता हम बदल पा देंगे अभी तक नहीं बदल पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं हरिशंकर तिवारी। इस समय मैं आदि शक्ति शनिधाम रमा पार्क पश्चिमी दिल्ली में नवादा उत्तम नगर और ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से ये स्थान बहुत ही नज़दीक है और आप आसानी से इस स्थान पे आ सकते हैं। ये हमारे साथ इस मंदिर के महंत और प्रसिद्ध कथावाचक समाज सेवी श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी हैं जो यहाँ का सब कुछ देख रेख करते हैं। ये शनि मंदिर जो मूर्ति है शनि देव की, ये 61 फुट ऊँची है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली विश्व की सबसे ऊंची शनिदेव की मूर्ति है। यहाँ पर 11 शनिवार को जो भी भक्त आते हैं और आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं किसी भी कामना से, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर बजरंगबली के सामने या महाकाली के सामने या भैरव जी के सामने यहाँ भी आकर के 21 दिन दीपक जलाते हैं और श्रद्धा से अगर उनकी पूजा करते हैं तो निश्चय ही उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम तो इस बात को पहले से ही, आज से 10 साल पहले से ये कह रहे हैं कि गौमूत्र में सोना है, गौ के दूध में सोना है, और उसके अलावा गौ को पालना परम आवश्यक है, क्योंकि
गौ माता के रोम रोम में हमारे देवता वास करते हैं। यहाँ नजवड़ देहात में कई गौशालाएं हैं जिनमें गौ की सेवा चलती है और वहाँ पर गौ के लिए उपचार केंद्र भी हैं। वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित है गौ तो वहाँ पर उनकी सेवा होती है। 2 साल पहले हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक देश में गोरक्षा कानून नहीं बनेगा तब तक अन्नग्रहण नहीं करना है, इसलिए 2 साल से हमने अन्नग्रहण नहीं किया, केवल फल लेकर के रहते हैं। और यही बिहारी जी से प्रार्थना है कि जिनको तुम पूजते थे आज उनकी ये हालत है कि उनको हम चंद पैसों के लिए लोभ के वशीभूत होकर के और उनको कटवा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। इसलिए एक ही प्रार्थना है कि बिहारी जी हमारे देश के शासकों को आप सद्बुद्धि दो जिससे कि वो गोरक्षा कानून देश में पारित करें और गोरक्षा के लिए वो पूर्णतः संकल्पित हों जिससे कि हमारा देश बचे, हमारे बच्चों का भविष्य बचे। अपने बेटे की सेहत की चिंता को लेकर यह बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है। शासन, प्रशासन, न्याय और हॉस्पिटल, हर जगह 85 साल का यह बुजुर्ग जिनका नाम जोगी जोगिंदर लाल शर्मा है, अपने बेटे की सलामती के लिए, उसे नशा से मुक्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसके बेटे का नाम दीपक शर्मा है जो आज नशा मुक्त केंद्र में भर्ती है, लेकिन वहाँ इसे सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है और नहीं ही ठीक किया जा रहा है। आइए देखते हैं हरिशंकर तिवारी की ये रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान कहाँ से हो सकता है? ये समाधान इसका होता है, एक हाई जब ये केस पहुँचे हाईकोर्ट के पास तो मुदगल जी ने ये एक स्पेशल सीनियर फास्ट सीनियर स्पेशल सिटीजन प्राधिकरण 2007 बनवाया और वो दिल्ली सरकार को कहा कि इसको बनाओ हैं। उसके बाद उन्होंने 9 मई मेरे पास के बेकार है 9 मई को उन्होंने रिमाइंडर दिया दिल्ली सरकार को हैं, तो वो मैंने वो जब तक वो दे नहीं रहे हैं उसमें क्या प्रोविजन है, उसमें ना तो पुलिस होगी और ना जो है वकील होगा, उसमें मुद्दई होगा और एक जज होगा और उसको ऐसा अथॉरिटी दे दी है कि जो वो किसी को भी बुला सकता है। नया रास्ता नाम की संस्था थी जिसने कि बरसों से, जबकि यहाँ से वो रजिस्टर्ड नहीं था दिल्ली से, और उसके बाद वो दिल्ली में आकर के उस नया रास्ता संस्था ने कितने ही लोगों के जीवन को बर्बाद किया जिसमें से एक इनकी पत्नी भी थी और उस जिसके कारण इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया।